नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आ चुके हैं विंटर्स। तो विंटर्स में ये प्रोफेशनल टिप्स आपको दी जा रही है। पहले मैं बताऊं विंटर में होता क्या है, क्यों आपको मेडिकल टिप्स की ज़रूरत है और कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियां अवॉइड कर सकते हैं, मोटापा अवॉइड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए है ये वीडियो। जरूर देखिए, जरूर शेयर करिए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटर के लिए। अगर पसंद आए तो ही शेयर करिएगा। आइए बात करते हैं विंटर प्रोफेशनल टिप्स के बारे में। विंटर क्या है, विंटर में होता क्या है? पूरी विंटर में धीरे 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 एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता जाता है। सोचिए आपके बॉडी टेम्परेचर का क्या होगा। जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, हीट एक्सचेंज से आपकी बॉडी का टेम्परेचर, जो बेसल टेम्परेचर है बॉडी का, वो कम होगा। सो क्या रिस्पॉन्स होगा? आपकी बॉडी ब्रेन को सिग्नल करेगी, बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हंगर। एंड हंगर क्या करे, हंगर और क्या होता है, एक्टिविटी। कांपते हो ना, वो कांपते क्यों हो? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और हंगर, भूख लगती है, क्यों? आपकी एपेटाइट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप खाना खाते हो आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट चाहिए होगी तो आपको अच्छा फील होता है, इसलिए ठंड में आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, इसलिए आप दबा के खाते हो। और जो खाने पीने की चीजें ज्यादा हीट प्रोड्यूस करोगी वो ज्यादा बेहतर लगेगी, इसलिए ठंड में आप खाते हो हाई कैलोरी फूड, हाई न्यूट्रिशियस फूड। इवन लड्डू बनते हैं, प्रोटीन के लड्डू, हाई ये लड्डू, घी के लड्डू, ये लड्डू, वो लड्डू, इवन हर एक चीज बनती है। लोग बाहर के देश में मैक एंड चीज और ये और वो, बाप रे क्या क्या नहीं खाते। पॉइंट इज, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाने की आपकी लालसा बढ़ जाती है। रीजन, जो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं वो खाने से तुरंत आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता है, तुरंत इंसुलिन स्पाइक होता है, तुरंत मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ जाता है कि आपकी बॉडी में तुरंत हीट आती है, इंस्टेंट हीट आती है, आपको अच्छा लग जाता है, सेटिस्फाइड। मगर क्या होगा, तुरंत इंसुलिन हाई, तुरंत ब्लड शुगर हाई, इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर को घपाघप आपके सेल्स के अंदर छोड़ देगा और आएगा ब्लड शुगर फिर हो जाएगा लो कुछ ही घंटों में, और फिर आपको होगी ब्लड शुगर लो पे, फिर हंगर होगा, फिर टेम्परेचर लो होगा, फिर आपको होगा कुछ खाएं कुछ खाएं कुछ खाएं, फिर आप हाई कैलोरी हाई कार्ब फूड खाओगे और फिर मोटे होते होगे। इस तरह से साइकिल शुरू हो जाता है, हाई कार्ब फूड खाना, इंसुलिन स्पाइक होना, थोड़ी देर में भूख लगना, फिर हाई कार्ब फूड खाना, इंसुलिन। इसलिए विंटर में आपका खाना पीना बढ़ जाता है, एपिटाइट बढ़ जाती है, ले दबा दबा के आपने चिक्की, ले दबा दबा के आपने गजक, ये खाए जा रहे हो, उसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट, बिना सोचे और मोटे हो जाते हो आप, या लड्डू पे लड्डू, लड्डू पे लड्डू। सो एवरीथिंग इज गुड इन मॉडरेशन। तो क्या करें, कैसे हेल्दी रहें? विंटर इज द बेस्ट टाइम टू enjoy fiber, color and flavor, because इतनी सारी vegetables, इतने सारे food products market में है available, जाओगे मिलेंगे तो ही खाओगे। so best time है उनमें भरपूर vitamins, भरपूर nutritious चीज, vitamin, minerals, trace elements, हर चीज भर भर के available है, appetite भी बढ़ी हुई है। high protein चीजें खाइए, protein चीजें खाइए, carbs कम करो। So, ऐसे मैं आपको 7 टिप्स देने वाला हूं, 7 ऐसे टिप्स विंटर में जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट? और एक बात याद रखिए, आपका खुद का रिएक्शन होता है, जैसे जैसे आपकी बॉडी क्या करेगी, बॉडी एक्टिविटी कम कर देगी विंटर में, इसीलिए आप कंबल में बैठ जाते हो, कंबल में बैठे बाहर नहीं निकलना, मेरे को ठंड लग रही है, बाहर नहीं जाऊंगा, चाय मैं नहीं बनाऊंगा, मैं पानी भी नहीं लूंगा, मुझे यहीं चाहिए सब कुछ, राइट? मैं सिर्फ इसमें बैठा रहूंगा, राइट? छुट्टी के दिन तो यही होता है। सो एक्टिविटी जाती है तो खुद ही मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, सो बॉडी को और हीट जनरेट करने में मुश्किल होती है, और साथ ही वही जो खा रहे हो फैट फैट बनेगा ना, इसलिए मोटे हो जाते हो, एंड बीमारियां बढ़ जाती हैं, हार्ट की बीमारियां, ये बीमारी वो बीमारी। तो हाउ टू बी सेफ, राइट? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे सिंपल चीज है, एक चीज, पहली स्टेप है स्नैक, लाइक जो भी खा रहे हो बीच बीच में, every 3 hour, every 2 hour, ट्राई टू मेक इट हेल्दी, हेल्दी रखिए, राइट? उसमें वेजिटेबल्स लाओ, फ्रूट्स खाओ। लोगों को लगता है ये विंटर फूड नहीं है, लेकिन ट्राई टू पुट थिंग्स इन हेल्दी स्नैक, राइट? आप पीनट्स खा लो, चने खा लो, हाई प्रोटीन स्टफ ले लो, आप खा लीजिए, सैलेड, वेजिटेबल्स, डजंट मैटर, कोई कोई स्नैक आप काब का रख लीजिए, हर नहीं, राइट? और ये फर्स्ट स्टेप है, स्नैक्स को हेल्दी रखिए बीच बीच में जो खाते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्टिविटी प्लान बना
बनाइए, एक्सरसाइज का प्लान बनाइए। जी हाँ, आप देखेंगे समर में गर्मी में जितना बाहर घूम के एक्सरसाइज कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, ये कर रहे थे, उसका अगर आप नोट करके रखेंगे उसके बाद पूरी विंटर में नोट करेंगे आधा भी नहीं होगा। सो इसीलिए आप विंटर में वेट गेन करोगे, तो एक्टिविटी प्लान नहीं करोगे तो हो सकता है आप करो ही ना। सो यू हैव टू प्लान कि मैं कहाँ कहाँ अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, चाहे वो घर के अंदर कमरे के अंदर हो, चाहे ऑफिस में जाते हुए हो, लिफ्ट अवॉइड करके हो, या कोई भी छोटी छोटी चीज जिससे आपकी एक्टिविटी बढ़े। फिजिकल एक्टिविटी फास्ट करिए, ऑलराइट, दैट्स द वॉकिंग फास्ट कर दो, स्लो वॉक नहीं करना है, वॉक फास्ट। सो इंक्रीज योर एक्टिविटी एंड एक्टिविटी प्लान करो, लिख के रखो। ये दूसरा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप खाना चाहते हो, इवन इफ अगर आपको हाई कैलोरी फूड खाना है, हाई कार्ब फूड खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, उसको लो कैलोरी कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करिए। पिज्जा को थिन क्रस्ट कर दो, चीज खा लो, चलो कोई नहीं, कभी कभी चीज भी खा सकते हो चीज, लेकिन देखिएगा अच्छी चीज हो, ओरिजिनल चीज हो, खराब वाला वो नकली ना दे। दूसरा, फैट खा रहे हो, डेयरी खा रहे हो, लो फैट जो ऑप्शंस ले लो, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, कोई भी दूध दही पनीर लस्सी छाछ, लो फैट ले लो। आप वेजिटेबल सूप या चिकन सूप या नॉन वेज सूप ते गर्मी के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कोई भी चीजें ले रहे हो, ट्राई टू थिंक कि उसमें फैट और कार्ब्स कम हो, दैट्स द ओनली नोशन, ठीक है। ये तीन चीज बोलेंगे सर ये तो हमको पता था, अब बताता हूं मेन चीज। चौथी चीज जनाब, यू नीड लाइट, डेली डोज ऑफ लाइट। जी हाँ, इसको दवा के जैसे लो, 15 मिनट धूप में, दोपहर में जैसी धूप होती है, कंबल से निकले, रजाई से निकले, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, डजंट मैटर, बाहर जाके बैठ जाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे सिर्फ इतना करने भर से आपके सीरोटोनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। सीरोटोनिन इज अ हार्मोन जिससे कि आपको फील गुड से लेके अच्छे मेटाबॉलिज्म लेके बॉडी फील्स गुड, बीमारियां भी होती है, नींद अच्छी आती है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सिर्फ डेली डोज ऑफ लाइट से, थोड़ी सी लाइट से, और यही चीज होती है एक्सरसाइज से, राइट। इसलिए एक्टिविटी प्लान करिए, एक्सरसाइज करना मत छोड़िए, डबल हो जाएगा, थोड़ी सी लाइट भी होगी, डेली डोज ऑफ लाइट इज अ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज आपको रखना है सीजनल, जो आपके पास भाई साहब ठंड में सारे आपको मिलेंगे, शादियों ब्याह ये वो, आपके जितने फेस्टिवल मिलेंगे, गिफ्ट में मिलेंगे जितनी सारी मिठाइयां, कोई आपको देगा गजक रेवड़ी ये वो ये खाने पीने की, और बहुत सारे लोग घर में बनाते हैं दिवाली का सामान जो बहुत लंबे चलता है। सो मेक श्योर कि जो बहुत ज्यादा मीठी चीजें हैं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी, वो बताने की जरूरत नहीं है कौन सी अनहेल्दी, यू नो, एवरीबडी नोज, उस पर लिड लगा के रखो, ले लो, थैंक यू बोलो, पर ढक्कन लगा के रखो, हेल्दी स्नैक खाइए, मत खाइए अगर एक्चुअली में हेल्दी रहना चाहते हैं तो, उसको बाहरी बाहर पैक का पैक दूसरी तरफ पार्सल कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ड्राई फ्रूट्स खाइए, किसी को दे दिया तो प्लेन ड्राई फ्रूट्स दीजिए, ड्राई फ्रूट्स आर गुड, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, एक मुट्ठी दो मुट्ठी डजंट मैटर, विंटर में दो मुट्ठी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट, दैट इज द थिंग, दो मुट्ठी ड्राई फ्रूट सारे मिला के। और उसके बाद का इंपॉर्टेंट चीज कितने हो गए भाई साहब, 1, 2, 3, 4, 5 चीज होगी। छठी चीज है आपकी अल्कोहल। जी हाँ भाई साहब, विंटर आ गई, अब तो हम दारू पी, बहुत सारे दारू पियेंगे, दबा के पियेंगे, उसके बाद दबा के खाएंगे, मत करिएगा ऐसा। दारू पीनी भी है, कभी कभी पीजिए, और अगर पीनी है, कहीं जाके भी पीनी है, प्रिफर रेड वाइन, रेड वाइन मिलती है, उससे बेटर कुछ नहीं। रेड वाइन कितनी पीनी है, 1 या 2 पैक, दैट्स इट, 1 या 2 पैक। अल्कोहल वाला हमारा वीडियो देखिए, कितनी लिमिट है, 1 दिन में पीने वाली, जब भी पी रहे हैं 1 दिन में उतना ही है। एंड रिमेंबर, पैग के पहले, पैग के बाद, पैग लेने के बाद पानी पीना बहुत जरूरी है। पैग के पहले पानी पीजिए, पैग के बाद पानी पीजिए, पैग के बाद खत्म होने के बाद पानी पीजिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना है। सेकंड, पैग के पहले स्नैक खाइए, पैग के बाद स्नैक खाइए, पैग के बाद फिर आखिरी में भी खाना खाइए, भूखे नहीं रहना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अगर आप वैसे करोगे तो। प्लेन सिंपल दारू नहीं पीना भाई साहब, प्लीज, रम वम पीना है, एक पैग बहुत है, नहीं हो रहा, ज्यादा से ज्यादा दो के ऊपर कोई नहीं पिएगा, ऑलराइट, ये हो गई चीज। उसके बाद आखिरी 7 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोते समय अपने आप के अपने टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर बहुत गर्म मत कर लेना। जी हाँ, रिमेंबर, अच्छी नींद आती है थोड़े ठंडे टेम्परेचर पे, इसलिए डोंट ओवर स्टैक योर सेल्फ विथ रजाई, एक कंबल, एक रजाई, एक ये एक वो, बहुत ज्यादा गर्म मत हो जाना, अच्छी नींद नहीं आएगी, अगले दिन भी फिर सोते रहते हैं हम, हमें लगता है हमारी नींद पूरी नहीं हुई, होता है ना, ठंड में मेरे से निकला नहीं जाता, मेरे से ऑफिस जाया नहीं जाता, सबका यही हाल है, इवन मी। सो मेक श्योर टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट, बहुत ठंडा नहीं करना है, टेम्परेचर को रखिए सही टेम्परेचर पे, आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर या जरा सा ठंडा इज द बेस्ट, ऑलराइट। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है,
इतना भी नहीं, 26-25 तक रखिए, वो बहुत है, राइट, 26-25 डिग्रीज तक। और ये हो गए सात आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक आपको बोनस पॉइंट दे देते हैं, बोनस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारी जफियां पाओ। जी हाँ, यू विल सी बॉडी हगिंग से आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा। इट ऑल्सो इंक्रीजेज अ लॉट ऑफ सीरोटोनिन्स, आपके बॉडी में फील गुड हॉर्मोन्स, राइट। हग्स, जितने ज़्यादा हग्स यूज करेंगे आप विंटर में, यू विल बी हेल्दियर, योर बॉडी विल नॉट नीड मच फूड। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर पूरे 3-4 महीने का मिला के देखोगे। सो डेली अपना हग्स लीजिए, हग मतलब जफ्फी पाओ, जादू की जफ्फी, और धूप, धूप के डोज जरूर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करे बगैर मत जाइएगा। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, ये है प्रोफेशनल टिप्स। ऐसी बहुत सारी प्रोफेशनल टिप्स है, जरूर चेकआउट करिए हमारे चैनल पे और शेयर जरूर करिए, वो बहुत जरूरी है। बाकी अच्छा लगा तो लाइक करिए और दिल खोल के आप अपना प्यार बांटिए। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी।